दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल जीएस स्पार्क में। दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कटाप क्या होगा। जो टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो टोटल वैकेंसी थी यूपी पुलिस की 49,569। कितनी थी? 49,569। उसमें कुछ पोस्ट थे, जो रिजर्व पोस्ट की बात करते हैं तो 18,260 थे। रिजर्व कितने पोस्ट थे? 18,260 थे। और सिविल पोस्ट की बात करते हैं हम तो 31,360 थे। काफ़ी अच्छा पोस्ट है सिविल का, और काफ़ी बम्पर वैकेंसी भी आई थी। इसके पहले जो पुलिस की वैकेंसी आई थी 2018 में तो 41,000 समथिंग वैकेंसी थी। इस बार वैकेंसी, टोटल वैकेंसी है 49,568। काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी थी और सिविल पोस्ट सबसे ज़्यादा थे। 31,360 पोस्ट थे। कितने थे? 31,360। और गर्ल्स की बात करें तो इसमें लगभग 6,100 टोटल पोस्ट हैं। तो हम बात करने वाले हैं मेल और फीमेल का कितना क्वेश्चन जा सकता है टोटल मार्क्स में। चलिए बात करते हैं टोटल नंबर, आप क्वेश्चन की बात करते हैं तो टोटल आम नंबर क्वेश्चन जो थे आपके यूपी पुलिस में 150 थे। कितने थे? 150 थे। और एक क्वेश्चन था आपका 2 मार्क्स थे। एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स थे। और मेल की बात करते हैं तो मेल का जो जनरल का कटअप जाएगा 95 से 90 क्वेश्चन जाएगा। और ओबीसी की बात करते हैं तो 90 से लेके 85 के बीच जाएगी। और एससी की बात करते हैं तो 80 से लेके 75 तक जाएगी। और एसटी की बात करते हैं तो 65 से 60 तक जाएगी। इसके बाद हम गर्ल्स की बात करते हैं यानी फीमेल की, तो फीमेल की जो कट ऑफ जाएगी आपकी 80 से 85 के बीच जाएगी जनरल की। ओबीसी की जाएगी 65 से 60 तक, और एससी की जाएगी 55 से 50 तक, और एसटी की जाएगी 45 से 40 तक। तो दोस्तों एक कट ऑफ मैंने आपको मेल और फीमेल का बताया, तो आपको पता होना चाहिए कि 10% जो जनरल को आरक्षण मिलने वाला था तो इसमें नोटिफिकेशन में इंक्लूड नहीं है। जैसा कि नया मुद्दा आया था कि 10% जनरल को आरक्षण दिया जाएगा, तो इसमें इंक्लूड नहीं है। यानी आपका जो कट ऑफ बनेगा इतने क्वेश्चन के बीच आपका मैच करेगा, तो अगर कट ऑफ के अंतर्गत आएंगे तो शायद आपको फिजिकल का चांस मिल जाएगा। ये एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है, बस ये अनुमानित कट ऑफ है कि आपका इतना नंबर है तो आपकी फिजिकल की तैयारी करें। और रिजल्ट की बात करें तो जैसा कि पेपर में हर दिन पेपर के अंतर्गत एक एक महीने के अंतर्गत आता रहता है न्यूज में कि आपका रिजल्ट इस महीने आ जाएगा। बीच में देखेंगे 4 अक्टूबर को आया था कि लगभग फर्स्ट वीक के अंतर्गत अक्टूबर में रिजल्ट आ जाएगा, तो ऐसा रिजल्ट नहीं आया। तो रिजल्ट की बात करें तो हो सकता है दिवाली के बाद या नवंबर के लास्ट वीक तक रिजल्ट आने की संभावना। तो दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही है, ताकि हमें भी पता चले। मेरे चैनल को आप ज़्यादा लाइक करते हैं और आप मेरे चैनल के साथ बने रहते हैं, ताकि आप जीएस स्पार्क चैनल बने रहने के लिए आपको काफ़ी योगदान मिलेगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।